हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7th की वर्कशीट 15 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है विज्ञान और डेट है इस वर्कशीट की 20 नवंबर 2020। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी के तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे अपने आस पास के प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक के बारे में हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम आपको बताएंगे क्या होते हैं सूचक और क्या होते हैं प्राकृतिक सूचक। तो देखते हैं पहले सूचक, कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका प्रेक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। तो इट मीन्स क्या है, अम्ल और क्षार का पहचान करने के लिए जो पदार्थ बनाए गए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। लेकिन सूचक ये प्रेक्षण कैसे करते हैं, तो देखते कैसे करते हैं वो, एक अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ युक्त घोल में रंग परिवर्तन के द्वारा। तो कैसे करते हैं, जो भी अम्ल और क्षारक होते हैं उसमें उसको एक घोल के अंदर डाला जाता है, तो उसमें क्या होता है वो घोल का रंग क्या है चेंज कर देते हैं, इस प्रकार हमें परीक्षण हो जाता है। अब हम देखते हैं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं बच्चों, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं वे प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। तो वो सूचक जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। तो जैसे कि उदाहरण के लिए हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखड़ियाँ, ये सभी क्या हमारे पास प्राकृतिक सूचक है। जैसे हल्दी यहाँ पे दिखाई दे रही है येलो कलर की, ये आपका गुड़हल है, चाइना रोज बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ये लाइकेन है, लाइकेन से हमारे पास हमें लिटमस प्राप्त होता है। तो ये भी आपको आप पता होना चाहिए कि लिटमस हमें कहाँ से मिलता है बच्चों, लाइकेन के पेड़ से। अब हम कहते हैं लिटमस के बारे में, ये क्या है एक प्राकृतिक रंजक, रंजक मतलब रंग भी बोलते हैं इसको, जिसका प्राकृतिक रंग है। तो देखते हैं इसमें, यह सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ये प्राकृतिक सूचक है, यह लाइकेन से निकाला जाता है। तो ये जो लिटमस है ये हमें लाइकेन से मिलते हैं, जो मैंने आपको भी बताया था आसुत जल में इसका रंग बैंगनी या पर्पल होता है। तो आसुत जल होता है उसमें इसका रंग बैंगनी और पर्पल होता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। तो इसकी जो पट्टी होती है ना, ऐसी पतली पतली सी पट्टी होती है, इस फॉर्म में ये लिटमस हमें मिलता है बच्चों। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें, इन पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। लिटमस पत्र दो प्रकार का होता है, जैसे कि लाल लिटमस और नीला लिटमस। समझाने के लिए आपको लाल लिटमस को लाल कलर से लिखा है इसने और नीला लिटमस को नीले कलर से लिखा है। अब देखते हैं, जब नीला लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो वह लाल हो जाता है। तो नीला लिटमस अम्ल की वजह से लाल हो जाता है, और वैसे ही लाल लिटमस को क्षारकीय विलयन में डाला जाता है तो वो नीला हो जाता है। तो आप इसको याद कर लेना, क्षारक क्या करता है लाल लिटमस को नीला करता है, और अम्ल क्या करता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा प्राकृतिक रंजक कौन सा है, हल्दी। ये क्या करते हैं, जो क्षारकीय विलयन होता है उसमें पीले से लाल में परिवर्तित हो जाता है। तो यह काम आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। आप क्या लेंगे, थोड़ा सा हल्दी लेंगे और उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल देंगे। ठीक है, जो आपके घर में साबुन होती है बर्तन वगैरह धोने की, तो आप देखेंगे जो हल्दी है वो लाल कलर की हो जाएगी। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, जो आपका साबुन है वो क्षारकीय है। तो ये सब करके देखना। ठीक है, तो क्या करता है, जो क्षारक होते हैं पीले को लाल में चेंज कर देते हैं, लेकिन अम्लीय विलयन में पीला ही रहता है। तो जो अम्ल होता है उसमें उसका रंग सिर्फ पीला ही रहता है बच्चों, मतलब हल्दी का रंग पीला ही रहता है। नेक्स्ट है गुड़हल का पुष्प। ठीक है, तो गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी या मैजेंटा कर देता है और क्षारकीय विलयन को हरा कर देता है। ठीक है, गुड़हल क्या करता है अम्ल को गहरा गुलाबी कर देता है और क्षारकीय को हरा कर देता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। आगे हम देखते हैं इस वर्कशीट के, अम्ल वर्षा क्या होती है। तो वर्षा जल, जो वर्षा का जल होता है, जब वो हमारे अम्ल, वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैसें जो वायु में मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। तो इसमें क्या क्या है, जो वर्षा जल होती है ना, वो जो ये हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या बन जाती है कार्बोनिक अम्ल बन जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या बन जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाती है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बन जाती है, नाइट्रिक अम्ल बन जाती है।
ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्योंकि ये क्या प्रदूषण वाली गैस है, तो ये सभी आपस में अवल में चेंज हो जाती है। अमल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचाती है। तो ये जो अमल होती है ये सब चीजों को नुकसान पहुंचाती है। अब हम देखते हैं स्वक्षित के क्वेश्चन आंसर। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं बच्चों? तो इसका आंसर है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सूचक, उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस वर्कशीट का। गुड़हल के पुष्प का सूचक शार्की विलनों को डैश कर देता है। तो गुड़हल का हमने देखा था शार्की को क्या कर देता है? वो हरा कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? हरा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा? हरा। नेक्स्ट है शार्की विलन में हल्दी का रंग डैश से डैश हो जाता है। तो हल्दी का रंग कैसे हो जाता है शार्कियों में? पीले से लाल हो जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे पीले से लाल हो जाता है। तो ये आप आंसर लिखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका थर्ड। आप अमले विलयन एवं शार्की विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखेंगे? तो अमले में देखते हैं क्या होता है। हमें पता है कि लाल लिटमस क्या कहते हैं शार्की को? तो नीला कर देता है, लेकिन जो है लाल लिटमस अमल पे कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो क्या है लाल का लाल ही रह जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? अमले विलयन में कोई परिवर्तन नहीं और शार्क विलयन में क्या हो जाएगा? यह लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। ठीक है, तो नीला कलर हो जाएगा और इसमें क्या रहेगा? कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश और डैश अमल वर्षा के लिए तीन मुख्य उत्तरदायी गैसें हैं। तो इसमें तीन गैसों के नाम लिखने हैं जो हमने पढ़ी थी अभी। तो इसके आंसर बच्चों हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, यह पहला हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरा क्या हमारे पास? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये आप तीनों आप फिंगर ब्लैंक्स में एक एक करके फिल कर देंगे बच्चों। तो इस प्रकार ये पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको बच्चों ये वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। इसके लिए आप क्या करेंगे, इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। और साथ ही बच्चों जो आपकी 6th grade की जो कॉमन वर्कशीट है वो भी आप जरूर देखना, वो भी मैं आज शाम तक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उसको देख के अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेना बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।